नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। से चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। पेट्रोल लगातार तीसरे दिन महंगा, मुंबई में 87.58 रुपए प्रति लीटर। नेहरा ने कहा 22 साल के पंत 23 साल के धोनी से ज्यादा टैलेंटेड। भारत ने फिर दिखाई दरिया दिली, नेपाल को लगातार दिया सहयोग का भरोसा। बारामूला के बाद कुलगाम के सीआरपीएफ कैंप में आतंकी हमला, 4 जवान शहीद। पंडित जसराज के निधन से दुखी कंगना, कहा उनसे मिलने का सपना टूट गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 20 कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा पर कांग्रेस का पलटवार, मांगा पीएम केयर्स फंड का हिसाब। बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन का कर्ज देगा चीन। महाराष्ट्र के पालघर हादसे में लापता मजदूर का शव मिला, 2 हुई मृतकों की तादाद। किरण मजुमदार शव कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। बनारस होगा मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। बिहार चुनाव के ऐलान से पहले 17 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। मुंबई के बांद्रा में भीषण हादसा, इमारत गिरने से मलबे में फंसा एक व्यक्ति। शिक्षा मंत्रालय हो गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम, राष्ट्रपति ने जारी किया नोटिफिकेशन। प्रियंका चोपड़ा ने खत्म की अपनी बायोग्राफी, अनफिनिश्ड, जल्द करेंगी लॉन्च। तारा जी के डायरेक्टर संघ प्रभास की फिल्म का ऐलान, आदि पुरुष का पोस्टर रिलीज। सुशांत के भाई बोले एससी का आदेश हुआ तो सीबीआई जांच से कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 2 साल में कहां गायब हुई रिलायंस कम्युनिकेशंस की संपत्तियां। एल्गार परिषद मामला, एनआईए ने राव की जमानत याचिका का किया विरोध। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में अपराधियों को कानून का डर नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, फिलहाल मंत्री नियुक्त करने की इजाजत नहीं। होम्योपैथी डॉक्टरों की सुप्रीम कोर्ट से AIAPGET 2020 स्थगित करने की मांग। भ्रष्टाचार की शिकायतों पर केंद्र सरकार के सभी विभागों को जांच रिपोर्ट देने के आदेश। तुर्की यात्रा के बाद आमिर खान सोशल मीडिया पर घिरे, लोगों ने कहा देशद्रोही। पिछले साल अनदेखी के बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए जसपाल राणा के नाम की अनुशंसा।